बट सर टेक्नोलॉजी जब से बड़ी है, नई नई तकनीकियाँ आई हैं, उसके बाद से दांतों की जो समस्याओं से लोग पहले जूझा करते थे, अब डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम डेंटल इम्प्लांट की बात करें, इसको लेकर के लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाए कि इम्प्लांट की डेप्थ क्या होगी, उसको कैसे सिलेक्शन किया जाए उसका? नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, MDS, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफिशियल ऑर्थोपेडिक। आपने जो प्रश्न किया कि इम्प्लांट की साइज़ कैसे डिसाइड की जाए, बेसिकली इम्प्लांट हमारे पास बहुत अलग अलग साइजेस में आता है। हर किसी पेशेंट के लिए इम्प्लांट की साइज़ की चॉइस अलग होती है। तो हमें सबसे पहले जो पेशेंट की बोन है उसको एनालाइज करना रहता है, उसके हिसाब से हमें इम्प्लांट उसमें एडवाइस करना है। पेशेंट की बोन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें उसका एक CBCT जो डेंटल सिटी स्कैन होता है वो करना चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट है, अपन ने उसका CBCT लिया। CBCT एक कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन होती है, जिसके थ्रू हम उसके 3D जबड़े के और दांतों के व्यू को ले सकते हैं। इम्प्लांट करते समय हमें सावधानी रखनी पड़ती है मुख्य रूप से दो बातों की। एक बात, जो हमारा इम्प्लांट है वो हड्डी के अंदर रहे। दूसरा, जो हमारे इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, जैसे कि नस, मैंडिबुलर नस होती है, यहाँ पे एक मैंडिबुलर नस होती है जिससे हमें मिनिमम 1 से 2 मिलीमीटर दूर रहना चाहिए। हमारे साइनस होता है, उस साइनस में हमें यदि ज़रूरत ना हो तो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, उसे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, और यदि ज़रूरत है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट डाल के उस साइनस को शिफ्ट करके वहाँ पर हड्डियों को बनाना चाहिए। जैसे इस केस में हमने इसका एक CBCT लिया। CBCT लेने के बाद में हमें इस पेशेंट में यहाँ पे इम्प्लांट डालना था, ठीक है? तो इस 3D व्यू में हम बेसिकली देख सकते हैं, ये जो चीज़ दिख रही है ये पेशेंट की नस है, जो मैं मैंडिबुलर नर्व बोल रहा था। हमें इम्प्लांट डालते समय इस नस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसको हम एनालाइज करने के लिए इम्प्लांट के एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इम्प्लांट, ये नस है, ठीक है? अब अगर हमें इम्प्लांट डालना है तो ये जो एक आपको गोल हिस्सा दिख रहा है, जो इसमें ये वाला गोल हिस्सा दिख रहा है, ये नस है। हमारा इम्प्लांट इस नस से कम 1 से 2 मिलीमीटर की दूरी पे रहना चाहिए, ठीक है? जो हमारी विड्थ है, बोन की जो विड्थ है, इस विड्थ से कम 1 मिलीमीटर की बोन इस तरफ, 1 मिलीमीटर की बोन इस तरफ रहनी चाहिए। तो हमारे अवेलेबल बोन में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो, जैसे हम इसको मेज़र करते हैं, इस अवेलेबल बोन में हमारा जो बोन विड्थ है वो लगभग 7 mm का है इस तरफ में। यदि हम ऊपर जाके देखते हैं तो ये लगभग 5.6 mm का है। 1 mm हमने एक तरफ छोड़ दिया, 1 mm एक तरफ छोड़ दिया, तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया, तो मतलब हम लगभग इसको 6 mm मान लेते हैं, तो 4 mm का विड्थ का डायमीटर का इम्प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने 4 mm के डायमीटर का इम्प्लांट यूज़ किया, और लेंथ में हमको कितना जाना है वो हम इससे कनाल के डिस्टेंस, ये इसकी कनाल है, तो कनाल से 1 mm हमें, ये कनाल से 1 mm, कनाल से 1 mm से कम हमें अवे रहना है। जैसे इस केस में लगभग 12.5-13 mm हमारी लेंथ है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं कनाल तक जाते हैं तो लगभग 12.5-13 mm हमारी लेंथ है, तो उससे हमें 1 mm, चूँकि इसके ऊपर में बोन पतली है तो हमें 1 mm अंदर जाना है, मतलब 13 mm से 1 माइनस कर दो 12 mm हुआ। कनाल से हम कोशिश करेंगे, चूँकि बोन की डेप्थ अच्छी है इस केस में, तो हम 2 mm दूर रहेंगे, तो लगभग 10 mm की लेंथ का हमें इम्प्लांट चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने 4 mm डायमीटर और 10 mm की लेंथ का इम्प्लांट प्लान किया। तो इम्प्लांट बेसिकली जो मैक्सिमम अवेलेबल साइज पेशेंट की बोन के हिसाब से हम सेलेक्ट करें उतना अच्छा होता है। जितना बड़ा इम्प्लांट होगा उतनी अच्छी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। इन जनरल शॉर्ट इम्प्लांट्स आते हैं, यदि किसी पेशेंट की हड्डी कमज़ोर है, बोन इतनी मोटी नहीं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो बोन हमारी अच्छी थी, यदि किसी की बोन कमज़ोर है तो पतले साइज़ के इम्प्लांट आते हैं। कुछ शॉर्ट इम्प्लांट्स आते हैं, यदि किसी की नस ऊपर है, वहाँ पे हमें अवेलेबल स्पेस कम है,
तो कुछ शॉर्ट इम्प्लांट आते हैं, तो हम 4-5 मिलीमीटर तक के भी डेप्थ के इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं सेफली। तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट की यदि जनरल हेल्थ ठीक है तो हम उसमें इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं विद दिस एनालिसिस। अब जैसे इस केस में ऊपर की बात करते हैं अपन, यहाँ पे हमारे ऊपर में मैक्सिलरी साइनस होता है, ये हमारा इम्प्लांट है, ये हमारा साइनस है, तो हमें साइनस में नहीं जाना है। इसमें अपन ऊपर वाले जबड़े के एनालिसिस करते हैं, इससे हम जहाँ पे हमें इम्प्लांट डालना है उस तक पहुँचे। ये हमारा मैक्सिलरी साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है। मैक्सिलरी साइनस के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, जब हमको अच्छी डेप्थ मिल रही है तो हमको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस केस में इसकी एक डेप्थ एनालिसिस की, कैसे किया, इसमें एक टूल होता है जिसके तहत अपन ने मेज़रमेंट लिया, इसमें हमने लिया, तो हम इसके एग्जैक्ट लेंथ जो अवेलेबल लेंथ है ये हम नाप सकते हैं। जैसे इस केस में 10.6 मिलीमीटर की लेंथ हमें मिल रही है, विड्थ हमें इस केस में लगभग 6 मिलीमीटर की मिल रही है, हमें 1 मिलीमीटर आइदर बोथ द साइड डेप्थ बोन की रिमेनिंग डेप्थ छोड़नी है, रूल ऑफ वन हमें फॉलो करना है। तो यदि अवेलेबल बोन 6 मिलीमीटर की है तो हमें अगेन -1 -1 इट मीन 4 मिलीमीटर, तो हम इस पर्टिकुलर केस में अगेन 4 × 10 का इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की अवेलेबल बोन थिकनेस से, जितना अच्छा हम बोन का इवेल्युएशन करेंगे और इम्प्लांट की साइज सेलेक्ट करेंगे हमारे रिजल्ट उतने ही अच्छे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि पेशेंट सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और हम पूरी एनालिसिस करके इम्प्लांट डालते हैं तो नियरली 96-97% सक्सेस रेट होता है, अगर हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट माने तो। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बॉडी की एजिंग के साथ में बोन लॉस होती है, इम्प्लांट लूज होता है, दैट मे हैपन, बट इन जनरल अगर पेशेंट ओरल हाइजीन अच्छे से रखता है तो इम्प्लांट में लॉन्गर 10 ईयर सर्वाइवल रेट इज़ इवन गुड।